कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले कत्ती ना अटेरी ना तुम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सारा सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। वीरवती उस नकली चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेती है। सो ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले कत्ती ना आटेरी ना तुम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना तभी उसे अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है और वह अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माँ पार्वती और शिव जी भगवान मिलते हैं। वह माँ पार्वती वीरवती को बताती हैं कि तुमने अपने करवा चौथ का व्रत झूठे चांद से खोला है, वह सच्चा चांद नहीं था, तुम्हारे भाइयों ने तुमसे झूठ बोल के व्रत का खुलवाया है, इसीलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तो अब एक बार और राउंड लेंगे हम लोग। ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले कत्ती ना अटेरी ना तुम चरखड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना होकर माँ पार्वती वीरवती के पति को एक गंभीर बीमारी के साथ फिर से जीवित कर देती है।
सो मरे हुए उसके पति जीवित हो जाते हैं। इसके बाद जब वीरवती महल पहुंचती है तब उसे अपने पति की बेहोशी की हालत में उसके शरीर में ढेर सारी सुइयां चुभी हुई मिलती हैं। सो पति बेहोश होता है बट उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां होती हैं। सो हम एक और चक्कर लेंगे। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले गत्ती ना आटेरी ना, चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुड़खड़ा मनाई ना, पाटड़ा सीमी ना, मैलड़ा धोमी ना, सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, वो राजा की सेवा में लग जाती है। महल पहुंचने के बाद वो रोज उनके शरीर से सुइयां निकालना शुरू कर देती है। राजा की सेवा करते हुए वीरवती को एक साल बीत जाता है। एक साल तक वो लगातार राजा के शरीर से सुइयां निकालती रहती है। जब वीरवती करवा चौथ का व्रत रखने के लिए जरूरी सामान मंगाने के लिए बाजार जाती है, पीछे से एक दासी शरीर से बची हुई सुइयां निकाल देती है। सुइयां निकालते ही राजा को होश में आ जाता है और वह ठीक हो जाता है। उसे अपने पास महिला को देखकर राजा को गलती से दासी को रानी मान लेता है। वो समझता है वो दासी ही मेरी रानी है और वीरवती को वो दासी मान लेता है। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना अटेरी ना, कुंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना आटेरी ना, गुंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, पाटड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोवी ना, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाया, जे बंदा चोली पाया, ले कत्ती ना आटेरी ना, तुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, मैलड़ा तोवी ना, पाटड़ा करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। राजा के इस तरह के व्यवहार को देखकर वीरवती पूरी निष्ठा और विधि के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन राजा उसे राज्य के किसी काम से बाहर जा रहा होता है तो वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, दासी तुझे कुछ चाहिए? तो राजा को वो बोलती है कि नहीं, मुझे तुम एक छोटी सी दूसरे राज्य से कुछ चाहिए तो मुझे वहाँ से दो गुड़िया लेके आ जाना। तो राजा से वो गुड़िया दो मंगाती है और वो पूरा साल फिर उसके साथ में बातें करती रहती है। तो ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना आटेरी ना, तुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, पाटड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोवी ना, ले वीरो
सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वटाया जे बंदा चोली पाया ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन वेरी गुड। बोलिए थोड़ा जोर से, एक बार थोड़ा सा जोर से और जोर से आवाज नहीं आई मुझे। करवड़ा ले करवड़ा बटाया जे बंदा चोली पाया, जोर से प्लीज साथ दीजिए। तुम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना वीरवती को उस जैसी दिखने वाली दो गुड़िया दे देता है। इसके बाद वीरवती अक्सर हमेशा एक ही गीत गाने लगती है कि रानी सी हो गोली हुई, गोली सी हो रानी हुई, जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई। एक दिन राजा वीरवती को ये गीत गाते हुए सुन लेता है, जिसके बाद वीरवती पूरी कहानी सुनती है, सुनाती है। राजा को कहानी जानकर बहुत पछतावा होता है कि मैं जो दासी थी उसको रानी समझ रहा था और रानी को दासी समझ रहा था, और वीरवती को वो अपने सही शाही सम्मान के साथ घोषित रानी घोषित करता है। जिस तरह माँ पार्वती के आशीर्वाद से, रानी की भक्ति से और उसके विश्वास से उसे अपना सम्मान वापस मिला, उसी तरीके से सब लोगों को सब में नाम का सम्मान मान सम्मान बना रहे, उनके सुहाग का बना रहे। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार और थाली का राउंड लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग जल अर्पण करेंगे। तो ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले हत्ती ना आटेरी ना कुंच रखड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना ले पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीवा ले पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीवा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले कटीना अटेरी ना कुंज रखड़ा फेरी ना स्वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाया जे बंदा चोली पाया ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले करवड़ा बटाया जे बंदा चोली पाया ले करवड़ा वटाया जे बंदा चोली पाया ले करवड़ा वटाया जे बंदा चोली पाया। कोई भी अभी उठेगा नहीं, हम लोग थाली पे आप सब अपने अपने राइट हैंड साइड में पानी ले लेंगे। कर दिया ना, वार वार बुधवार कर दिया, कर दिया। सब लोग अपने राइट हैंड साइड में पानी ले लेंगे और अपने अपने पति का नाम लेंगे जब मैं पॉज लूंगी। तो वार वार बुधवार तृतीय चतुर्थी सप्ते स्वाग पागदा पोया अपने अपने पति का नाम लीजिए। बनियारे कजियारे टकियारे सबका मान सम्मान बना रहे, आपका सुहाग बना रहे। आप हर साल इसी तरीके से हिंदू सभा में आते रहिए और इसी तरीके से आप करते रहिए, कथा सुनते रहिए और आनंद लीजिए। अभी प्लीज कोई भी वहां से बैठने के लिए नहीं आएगा, सब अपने अपने दिए को संभाल के सब आराम से मंदिर में माथा टेकते हुए बाहर को निकलेंगे। अभी कोई बैठेगा नहीं, जैसे कि वंदना जी ने बोला, आप लोग जो कर चुके हैं कथा प्लीज खड़े हो जाइए, मत्था टेकिए और लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकलते जाइए। कि नॉलेज के लिए हम प्रवासी टीवी पे लाइव हैं, तो जिन्होंने भी देखना है प्लीज आप प्रवासी टीवी के वेबसाइट पे जाके लाइव देख सकते हैं। हम लोगों को प्रवासी टीवी यहाँ पर है, उनका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आने का। ओके, हम कथा शुरू करने वाले हैं।
सब अपनी अपनी जोत जला लेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप थाली बटाते हैं थोड़ा फास्ट हाथ चलाइएगा, क्योंकि आपको नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, काफी लोग बाहर भी वेट कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सर्कल कंप्लीट करेंगे। प्लीज आप लोग साइड पे हो जाइए जो कथा नहीं कर रहे हैं, ये हॉल खाली कर दीजिए साइड पे। बिफोर आई स्टार्ट, जो कथा सुन नहीं रहे और जो थाली बटा नहीं रहे वो इस हॉल के बीच में नहीं होने चाहिए। बच्चा कोई भी आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिए जल रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम शुरू करें, हम सबको पता है हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के अरदास करने आए हैं, अपनी अपने पति की लंबी उम्र, साथ साथ हमारी अपनी भी लंबी उम्र के लिए हमारा और उनका साथ बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है परमात्मा के आगे। तो हम जयकारा लगाएंगे, उसके बाद मुझे सिर्फ अगर आवाज आएगी तो थाली बटाते हुए जो बोलते हैं उसकी जयकारा। शेरों वाली का दरबार की जरा जोर से नीचे चाय पीनी है जिस जिसने, वो तो कम से कम जोर से बोल ले, बोल सांचे दरबार की जय। वेरी गुड, चलो सब अपने अपने दिया प्रज्वलित कर लीजिए, जोत जला लीजिए प्लीज। सबकी अगर हो गई है जोत जला ली है तो हम कथा शुरू कर लें। बहुत समय पहले एक गांव में वीरवती नाम की एक राजकुमारी अपने सात भाइयों के साथ और माता पिता के साथ रहती थी। उसके बड़े होने पर उसकी शादी एक राजा के साथ हो गई। शादी के शादी के कुछ समय बाद वीरवती अपने मायके आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। वीरवती बहुत नाजुक होती है और वो बहुत ही ज्यादा चुईमुई सी थी, इसलिए वो अपना व्रत करना सहन नहीं कर पाती। उसके भाई उसे कहते हैं कि व्रत तोड़े खोलने का टाइम आ गया है और चांद निकल आया है। उसकी तबीयत खराब होते हुए देखकर ये बात उसको बोलते हैं। और जब वीरवती बाहर आती है व्रत खोलने के लिए तो वो देखते हैं वो पेड़ के पीछे दिया जलाते उसके आगे छलनी रख देते हैं और उसे कहते हैं वो रहा चांद। वो उसे चांद देखकर व्रत को खोल लेती है। वीरवती जैसे ही अपने व्रत को खोलती है उधर से उसे खबर आती है कि उसका पति की मृत्यु हो गई है। अब हम थाली बिटाएंगे, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाया, जय बंदा चोली पाया, ले कत्ती ना आटेरी ना कुंज रखड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना मेलड़ा तुमी ना पाटड़ा सीवी ना, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िये करवड़ा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, उल्टा नहीं घुमाते, जैसे घड़ी घूमती है हमारे ऐसे इस तरीके से चक्कर काटेंगे, ऐसे मंदिर की तरफ से ऐसे आप परिक्रमा लेते हैं, तो कोई उल्टा नहीं करेगा, सीधा करेंगे प्लीज। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले गत्ती ना आटेरी ना कुंच रखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना करवड़ा मैलड़ा तो मीना पाटड़ा सीवीना ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। बहन खुशी के मारे सीढ़ियां चढ़कर चांद देखती है और वीरवती उस नकली चांद को अर्घ देकर पूजा करती है और पूजा करते हुए वह अपना व्रत खोल लेती है।
सो अभी हम एक और चक्कर लेंगे थाली घुमाने का। ले वीरो कुड़िये करवना, ले सर्व सुहाग करवना, ले कत्ती ना आटे रीना, कुंज रखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले पाटड़ा सीमी ना, मैलड़ा तो मीना, ले वीरो कुड़िये करवना, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना अटेरी ना, तुम चलकड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, पाटड़ा सीमी ना, मैलड़ा धोमी ना, ले सर्व सुहागन तभी उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है और वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माँ पार्वती और शिव भगवान मिलते हैं। तब माँ पार्वती वीरवती को बताती है, तुमने अपने करवा चौथ की व्रत नकली और झूठे चांद की वजह से ही खोला, इसी की वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। तो ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले गड़बड़ा बटाया, जय बंदा चोली पाया, ले कत्ती ना अटेरी ना, कुंज रखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, पाटड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोई ना, ले पैर प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना, ले पैर प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी ले पैन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना, 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 आप लोगों ने भी बोलना है, ले पैन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना, 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 ले पैन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना। ये सच्चाई जानने के बाद वीरवती माँ पार्वती से माफी मांगती है और जिससे खुश होकर माँ पार्वती वीरवती के पति को एक गंभीर बीमारी के साथ फिर से जीवित कर देती है, उन्हें वरदान देती हैं और उन्हें जीवित कर देती हैं। इसके बाद वीरवती जब महल पहुंचती है तो अपने पति की बेहोशी की हालत में उनके शरीर में कई सारी सुइयां देखती है। तो अभी हम एक और राउंड लेंगे। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाया, जय बंदा चोली पाया, ले कत्ती ना अटेरी ना, कुंज रखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, पाटड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोई ना, ले पैन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना, 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 ले पैन प्यारी वीरा,
पानी पी ले पैन प्यारी वीरा चल चढ़े ते पानी पीना ले पैन प्यारी पीछे बातें मत करो थाली में ध्यान दो प्लीज क्योंकि जोर चल रही है चल चढ़े ते पानी पीना ले पैन प्यारी वीरा चल चढ़े ते पानी पीना ले पैन प्यारी वीरा चल चढ़े ते पानी पीना ले पैन प्यारी वीरा चल चढ़े ते पानी पीना ले पैन प्यारी जिसके बाद आ जाओ मुझे लगता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा या तो पानी की प्यास लग रही है या चाय पीने हैं जो साइड्स पे खड़े हैं बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है थोड़ा बच्चों को संभालिए शोर कम कीजिए और एक बार ज़ोर से जयकारा लगाएंगे सारी पब्लिक जितने भी खड़े हैं राइट लेफ्ट सामने आगे पीछे जयकारा शेरवाला मज़ा नहीं आया आवाज़ मेरे तक माता रानी तक कहाँ से जाएगी बोल सांचे दरबार की बोल सांचे दरबार की जयकारा शेरवाला जय माता दी अब आगे कंटिन्यू करते हैं जिसके बाद राजा की सेवा करने लग जाती है रानी तो रोज वो राजा के शरीर से सुइयां निकालती है राजा की सेवा करते हुए वीरवती को एक साल बीत जाता है और करवा चौथ का त्यौहार आ जाता है वीरवती करवा चौथ रखने के लिए का व्रत रखने के लिए सामान लेने के लिए बाजार जाती है पीछे से दासी राजा के शरीर की बची हुई सुइयां निकाल देती हैं जिसकी वजह से राजा को होश आ जाता है तो वो दासी को रानी समझ लेते हैं और रानी जो बाजार गई हुई थी व्रत रखने का सामान लेने के लिए उसे दासी समझ लेते हैं तो इसी प्रकार से वीरवती दासी बनकर रह जाती है सो ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाया जय बंदा चोली पाया ले कत्ती ना टेरी ना राजा को के ऐसे व्यवहार के बाद राजा के ऐसे व्यवहार के बाद रानी वीरवती पूरी निष्ठा और विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है एक दिन जब राजा दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा होता है तो वो वीरवती को बोलता है कि दासी बन चुकी वीरवती से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या उसके जवाब में वीरवती राजा को दो गुड़िया लाने के लिए कहती है राजा बाहर जाता है उसके लिए दो गुड़िया लेके आने के लिए उसको बोलती है ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाया जय बंदा चोली पाया ले करी तेरी ना पैर पाई ना, जगाई ना,
बात सुनाई पड़ती है। आप भाइयों से निवेदन है, बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो अगर आप लोग नीचे चले जाएं ताकि हमारी माताएं बहनें अंदर आ सके। नीचे चले जाइए या साइड में चले जाइए, आपसे निवेदन है प्लीज, क्योंकि माताएं सारी बाहर खड़ी हुई हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप लोग अगर नीचे चले जाएंगे या साइड में चले जाएंगे तो वो लोग अंदर आ सकते हैं। कि आप लोग सब लोग अपने अपने जब भी आप सर्कल लेते हैं थोड़ा फास्ट धारी घुमाइए, क्योंकि काफी सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, आप सबको इसकी महानता पता है कि सुबह आप लोग सर्दी खाए हुए, उसके बाद में आपने पानी भी नहीं पिया है, और चंद्रमा को देखकर ही जल आप अर्घ देकर ही आप कुछ खाते पीते हो, या आप अपने पति के स्वास्थ्य के लिए लंबी आयु के लिए रखते हो। आज की तारीख में मैं ये कहूंगी कि हर पति की तरफ से उनके मन में भी आस चाहिए, वो व्रत रखे, लेकिन आज के दिन वो हमें कम से कम सपोर्ट करें, और सबको ये लोग बोले कि हाँ ठीक है तुम्हारी भी लंबी उम्र हो, ताकि अगले साल फिर तुम मुझसे सूट मांगो, फिर साड़ियाँ मांगो, फिर ज्वेलरी मांगो, फिर खर्चा कराओ। तो इसी नोट के साथ हम लोग अभी, आप अपना अपना दिया प्रज्वलित कर लीजिए। सब भाइयों से निवेदन है साइड पे प्लीज, ऑल द ब्रदर्स सन्स प्लीज ऑन द साइड, ओनली वुमेन हियर, ओनली वुमेन प्लीज, भाई साहब साइड पे, ओनली वुमेन हियर, जिन्होंने कथा सुननी है और थाली बटानी है वो सिर्फ यहाँ होंगे। सब भाइयों से निवेदन है साइड पे, कोई भी यहाँ नहीं खड़ा होगा, सिर्फ लेडीज, सो मोर लेडीज कैन कम इन साइड, भाई साहब साइड पे, साइड पे प्लीज, साइड पे भाई साहब, ओनली लेडीज ओवर हियर हु आर हियर फॉर टू डू कथा और टू लिसन, ऑन द साइड प्लीज, यू कैन लीव योर वाइफ फॉर 5 मिनट्स प्लीज। अपना अपना दिया प्रज्वलित कर लीजिए ताकि हम आरती के लिए लेट नहीं हो। और मैंने जो अभी आपको मजाक के मूड में बोला है, ये फैक्ट भी है, क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं हमें नया सूट मिले, साड़ियाँ मिले, बट मैं सभी अपने भाइयों से क्षमा चाहती हूँ अगर उनको लगाओ कि मैं आपकी वाइफ को भड़का रही हूँ, ऐसी कोई मंशा नहीं है। ओके, इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, एकदम शांत हो जाइए सारे जने, और मेरे साथ जयकारा लगाइए। मुझे 10 दिन हो गए बोलते बोलते मेरा गला बिल्कुल बंद है, तो मुझे आपकी आवाज मेरे से ज्यादा आनी चाहिए। जयकारा शेरोवाली का, ये तो मजा ही नहीं आया। वो माता जी कह रही है कि ये तो आधे रास्ते ही रुक गई, मैं तो पहाड़ों में बैठी हूँ। जयकारा शेरोवाली का, हाँ जी, एक महिला का पीछे उन्होंने शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे थे, उनका ग्रे कलर का पाउच उन्होंने रखा था, प्लास्टिक बैग या पाउच, तो उसके अंदर उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, प्लीज किसी को मिला हो तो आप इनको दे दीजिए, यहाँ हमारे पास स्टेज पे भिजवा दीजिए, या आके हमसे ले लेंगे, ग्रे कलर का बैग है। तो अभी हम कथा शुरू कर रहे हैं, सबने दिया प्रज्वलित कर लिया है। बहुत समय पहले एक गांव में वीरवती नाम की एक राजकुमारी रहती थी, 7 भाइयों के साथ और अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब उसकी शादी एक राजा के साथ हो गई, और वहां पर वीरवती जब करवा चौथ पर अपने मायके रहने आती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो मायके में उसके भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बहन नाजुक सी थी, वो व्रत रख के भूखी प्यासी बैठी है, तो वो झूठी मूठी का चंद्रमा दिखाते हैं उसे, दिया जला देते हैं पेड़ के पीछे और चलनी आगे रख देते हैं, और उसे बोलते हैं देख देख बहन चांद निकल आया, और वो खुशी खुशी भागती हुई देखने के लिए वो चांद के लिए जाती है। दूर से ऐसा नहीं वो प्रतीत हो रहा था जैसे चांद है, तो हम थाली बटाएंगे, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व स्वागत करवड़ा, ले वीरो कुड़ी
पे फिर उस समय रुक जाएंगे ताकि हम फिर आगे की कथा कर सकें। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है चांद देखने के लिए, और वीरवती उस नकली चांद को ही अर्घ देकर आ जाती है और समझती है कि वो असली चांद है और वो अपना व्रत खोल देती है। ले वीरो कुड़िये देखा तब उसे पता चलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माँ पार्वती और शिव भगवान मिलते हैं, तो माँ पार्वती उसे समझाती हैं कि क्यों पति की मृत्यु हुई, क्योंकि उसने झूठी मूठी के चांद को अर्घ दिया, क्योंकि वो सच्चा चांद नहीं था, इसलिए ही उसके पति की मृत्यु हुई। माफ़ी मांगती है, माँ पार्वती उसे माफ़ कर देती हैं और वो खुश होकर उसे वरदान देती हैं कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। लेकिन जब वह महल पहुँचती है तो बेहोशी की हालत में पति एक गंभीर बीमारी के साथ में जीवित होते हैं और उनके शरीर में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी होती हैं। सो ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागत करवड़ा ले करवड़ा पाया ले बंदा चोली पाया ले कटीना टेरी ना कुंच रखरा पेरी ना वार पैर
पानी पीवा, ले पहन प्यारी रिया चंचड़े ते 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 पानी पीवा। जिसके बाद वह राजा की सेवा करने में लग जाती है, वह रोज उनकी शरीर से सुइयां निकालती है, एक एक करके रोज सुइयां निकाली होती है। इसी तरीके से एक साल बीत जाता है। एक साल के बाद जब फिर से करवा चौथ का व्रत आता है, वो बाजार से कुछ सामान खरीदने जाती है। उस टाइम के दौरान दासी थी जो वो आके राजा की बाकी बची हुई सुइयां निकाल देती है। जैसे ही राजा की आखिरी सुई शरीर से निकलती है, उन्हें होश आ जाता है और वो समझते हैं ये जो महिला मेरे पास बैठी है, मेरी सेवा कर रही है, वही मेरी रानी है। सो वो जो दासी थी वो रानी बन जाती है, वो रानी थी वो दासी का स्थान उसे मिल जाता है। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहाग करवड़ा, ले बताया ले बंदा चोली पाया, ले कक्की ना अडेरी ना मुंछ रखना फेरी ना, वार पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना, रुतड़ा बनाई ना पाकड़ा सीनी ना, बावजूद भी रानी पूरी निष्ठा के साथ विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा होता है, तो वो रानी को जो दासी बनी हुई होती है इस समय, वो उससे पूछता है तुझे कुछ चाहिए क्या, तो वो कहती है मेरे लिए दो गुड़िया लेके आना। तो राजा दूसरे शहर जाता है तो वो उसको गुड़िया की मांग करती है उनसे। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहाग करवड़ा, ले कत्ती ना बताया जे बंदा चोली पाया, ले कत्ती ना अडेरी ना कुंचे रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना, जब राजा वापस आ जाता है तो वीरवती को एक जैसी दिखने वाली दोनों गुड़िया दे देता है। रोज के रोज वो गुड़िया सिख के पास में बैठ के, दोनों गुड़िया के पास में
वीरवती एक ही गाना गाती है, जो रानी सी वो गोली हुई, जो गोली थी वो रानी हुई, जो मतलब जो दासी थी वो रानी का तमगा लेके बैठ गई है, जो रानी थी वो एक्चुअल में दासी बन गई है। तो राजा उससे पूछता है अभी ये क्या है, तू ये क्या बोलती रहती है हर टाइम, ये तू गाना गुनगुनाती रहती है। तो वो ये कहती है कि वो अपनी असली कहानी बताती है कि इस तरीके से मैं तुम्हारी रानी थी, आखिरी सुना उसने निकाल दी और वो अब दासी जो है वो रानी बन के बैठ गई है। राजा उसको पूरे मान सम्मान के साथ रानी को रानी का स्थान प्रदान करता है और जो दासी थी उसको दासी की जगह मिलती है। तो इसी तरीके से आप सबको अपना मान सम्मान हमेशा आपका बना रहे, आपके पति का सुहाग बना रहे। और इसी प्रकार एक बार और हम सर्कल लेंगे, उसके बाद में सब अपने राइट हैंड साइड में पानी लेंगे और तीन बार थाली के ऊपर से वार देंगे। चलो ले वीरो कुड़िए करवड़ा चल सुहाग करवड़ा निर्धन को माया
शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम पार्वार वर्मानव हर श्रीदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत संग श्यावर रामचंद्र की जय शरण तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव उमापति महादेवनि की जय शरण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विश्वमवयारं सर्वलोकैकनाथं मुनिरत्नार्णवानकीयपवर्तनयशङ्करं मङ्गलमूर्तिरूपं श्रीरामलखन सीता सहित हृदय प्रभु पवन सुत हनुमान जय शरण वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकेवरमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्रीदेव की जय सर्व संतन की जय सर्व भक्तन की जय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बे गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलो पहाड़ वाली माता देवी सदा सभी जोर से बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की करवा चौथ व्रत की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार आप सबकी भी जय हो तो अभी रीटा जी को मैं माइक देता हूँ। सभी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें, जो सर्कल पर खड़े हैं अपने अपनी थालियाँ उठा लें आगे को आएं और पीछे वाले थोड़ी देर और रुक के रहें जब तक ये लोग निकलते नहीं। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक गांव में वीरावती नाम की एक राजकुमारी अपने सात भाइयों के साथ रहती थी। उसकी शादी एक राजा के साथ हुई। शादी के कुछ समय बाद वीरावती अपने मायके आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। वीरावती बहुत नाजुक होने की वजह से व्रत के दौरान भूख प्यास सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। ये स्थिति देखकर उसके भाइयों ने अपनी बहन के होश में आने पर उसे चांद निकलने की खबर देते हुए और व्रत खोलने को कहते हैं। वीरावती मान लेती है। जब वीरावती चांद की पूजा करने के लिए जाती है, भाई दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी के आग में रख देते हैं। दूर से देखने पर वो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उचित हुआ हो। ले वीरो कुड़िये करवड़ाले सर्व सुहागन करवड़ाले करवड़ा बटाया क्लॉकवाइज
ले बहन प्यारी मीरा जल चढ़े तो पानी पियो, ले बहन प्यारी मीरा जल चढ़े तो पानी पियो, ले बहन प्यारी मीरा जल चढ़े तो पानी पियो, ले बहन प्यारी मीरा जल चढ़े तो पानी पियो, ले बहन प्यारी मीरा जल चढ़े तो पानी पियो। ये आखिरी राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होएगा। खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है वीरावती, उस नकली चांद को अर्घ देते हुए पूजा करके अपने व्रत खोल देती है। ले वीरो कुड़िये करवरा, ले सर्व सुहागन तभी उसे अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है और वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरावती को माँ पार्वती और शिव जी मिलते हैं। माँ पार्वती वीरावती को बताती है कि तुमने अपना करवा चौथ की का व्रत नकली और झूठे चांद को देखकर पूरा किया है, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटायान मतला जोली पायान, कत्ती नाल बेरीना दुमचदा बेरीना, वांग पैर पाईना सुतरा जगाईना, रुठना मनाईना पाक्या शिवीना मेला दुईना, पेन प्यारी मीरा सच्चाई जानने के बाद वीरावती माँ पार्वती से माफी मांगती है, जिसे खुश होकर माँ पार्वती वीरावती के पति को एक गंभीर बीमारी के साथ फिर से जीवित होने का वरदान देती है। इसके बाद जब वीरावती अपने महल पहुँचती है तो अपने पति को बेहोश की हालत में शरीर में कई सारी सुइयों के साथ देखती है। ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाया, ले बंदा चोली पाया, ले कत्ती नाल बेरीना तुम चढ़ा बेरीना, वांग पैर पाईना सुतरा जगाईना, रुठना मनाईना पाकरा शिवीना प्यारी वीरा चल चढ़े तो पानी पियो, ले पेड़
ले पैन प्यारी मीरा चल चले तो पानी पी लो, ले पैन प्यारी मीरा चल चले तो पानी पी लो। राजा की सेवा करते हुए वीरावती को एक साल बीत जाता है और करवा चौथ का त्यौहार आ जाता है। वीरावती करवा चौथ व्रत रखने के लिए जरूरी सामान लेने बाजार जाती है। पीछे से एक दासी शरीर में 20 सुई निकालने को छोड़ जाती है। आखिरी सुई निकालते ही राजा को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। अपने पास महिला को देखते हुए राजा गलती से दासी को रानी मान लेता है। ले वीरो कुड़ियो कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले राजा के ऐसे व्यवहार के बाद भी रानी वीरावती पूरी निष्ठा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य किसी काम से जा रहा होता है तो जाने से पहले वो दोस्त दासी बन चुनी वीरावती से पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ, दूसरे राज्य से कुछ चाहिए, जिससे जवाब में वीरावती राजा को दो गुड़िया लाने को कहता है। ले वीरो कुड़िये गड़बड़ा ले सर्व सुहागन गड़बड़ा ले गड़बड़ा बचाया न बंदा चोली पाया ने कट्टी ना देरी ना तुम चरा फेरी ना रंग पैर पाई ना जब राजा वापस आता है तो वो वीरावती को एक जैसी दो देखने दिखने वाली गुड़िया देता है। इसके बाद वीरावती अक्सर हमेशा एक गाना गुनगुनाती है, जो रानी थी वो गोली हुई, जो गोली थी वो रानी हुई। राजा को कहानी जान कर कुछ पछतावा होता है और वीरावती को वापस शाही समय सम्मान देते हुए अपनी रानी घोषित करता है। जिस तरह माँ पार्वती के आशीर्वाद और रानी की भक्ति के विश्वास से उसे अपना पति और सम्मान वापस मिला है, उसी तरह हर महिला को भी अखंड सौभाग्य और सम्मान मिले। ले वीरो कुड़िये कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बताया न बंदा चोली पाया न कट्टी ना ले ना सुम चंद्रा फेरी ना राजा गाई ना रुठड़ा मनाई ना
राइट हैंड साइड में पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए और तीन बार थाली के साथ क्लॉकवाइज और अपना अपना नाम, अपने पति का नाम और अपने बड़े बुजुर्गों का नाम, उनका आशीर्वाद लीजिए और आराम से खड़े होके 6:08 में चांद शहर निकल चुका हो, 8:06 टाइम होगा। एनीवे, सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। ये लास्ट राउंड था, इसके बाद अब कोई राउंड नहीं होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू सभा की तरफ से। परवासी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव दिखाने के लिए फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे, धन्यवाद। ये पंडित जी, और सबसे बड़ा और जो धन्यवाद है उसके पात्र हैं हमारी रीता जी, जो कि इनका गला भी साथ में दे रहा था फिर भी किसी शेर की तरह कूक रहे थे। और इन्होंने, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन व्यवस्था जिस प्रकार से इन्होंने की है बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है सारे कार्यक्रम को। और मैं नहीं मानता कि अगर ऐसी शक्ति के साथ अगर व्यवस्था ना की जाए तो ठीक से व्यवस्था हो नहीं पाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जितना आशीर्वाद दुआएं आप लोगों के लिए मैंने दी हैं वो आप सब की तरफ से हम इनको आशीर्वाद और दुआएं देते हैं। धन्यवाद।